वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान सरकार का इनविटेशन आया है। एससीओ मीटिंग में शामिल होने की दावत मिली है इस्लामाबाद में। दरअसल एससीओ मीटिंग होने वाली है 15 और 16 अक्टूबर को। ये मीटिंग होगी। पिछले साल भारत ने ही एससीओ मीटिंग की सदारत की थी और इस बार पाकिस्तान की बारी है। शहबाज शरीफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शामिल हुए थे और ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में जाएंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शामिल होंगे। बहरहाल पाकिस्तान सरकार ने इन्विटेशन यहाँ पर भेजा है। तो एससीओ समिट को लेकर खबर आपको बताते चलें, पीएम मोदी को पाकिस्तान सरकार से इनवाइट आया है। एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए दावतनामा भेजा गया है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। दरअसल एससीओ की मीटिंग इस बार इस्लामाबाद में होने वाली है। पाकिस्तान एससीओ समिट की सदारत कर रहा है और ये मीटिंग 15 और 16 अक्टूबर को होगी। तो दो रोज़ा मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम तर एससीओ ममालिक एससीओ में शिरकत करने वाले ममालिक के लीडरान शामिल होते हैं। और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या पीएम मोदी की तरफ से ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। चूँकि आपको बताते चलें कि पिछले साल भारत ने इसकी सदारत की थी, इस समिट की सदारत की थी और पाकिस्तान को भी दावतनामा भेजा गया था, लेकिन शहबाज शरीफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ही इस मीटिंग में शामिल हुए थे, वो आए नहीं थे। और अब पीएम मोदी को भी इन्विटेशन भेजा गया है और क्या वो इस मीटिंग में शामिल होंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। तो बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी को पाकिस्तान सरकार का इनविटेशन, एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए दावत दी गई है। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, आपसे जानकारी चाहेंगे, पाकिस्तान की तरफ से एससीओ मीटिंग का इनविटेशन आया है पीएम के लिए? बिल्कुल, देखिए शहबाज, जिस तरीके से पिछले साल हिंदुस्तान ने इस मीटिंग को मुनाकिद किया था, इस बार पाकिस्तान इस मीटिंग को मुनाकिद कर रहा है और वो सीधे तौर पर कहीं ना हिंदुस्तान एक अहम कह सकते हैं कि खत्ता होने की वजह से, एक अहम सुबह होने की वजह से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की मौजूदगी, मौकी जगह हिंदुस्तान की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, जिसके लिए इन्विटेशन भेजा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इस मीटिंग में शामिल होने की दावत दी गई है। इस्लामाबाद में ये मीटिंग होगी और 15 और 16 अक्टूबर को ये मीटिंग होनी है। पिछले साल हिंदुस्तान ने किया था इसको, जिसमें शहबाज शरीफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन देने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को लेकर रहे थे कि अगर भारत उसमें शामिल होता है तो आपसी जो रिश्ते हैं उस पे कई अहम मुद्दों पर भी इस मौजू पर बात हो सकती है मौके पर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है, लेकिन ऐसे में क्या पीएमओ की तरफ से कोई इशारा मिला है कि इनविटेशन एक्सेप्ट किया गया या नहीं, या फिर अभी इसको लेकर तजब्जब बरकरार है? मुबशिर, देखिए अभी इनविटेशन आया है, इस पे एक से दो दिन के अंदर ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि प्रधानमंत्री का अक्टूबर के महीने में, क्योंकि कई और प्रोग्राम भी हैं, क्या उनको वक्त मिलेगा, क्या वो जाएंगे, इस बात की जो तफसील है वो एक से दो दिन के अंदर ही क्लियर हो पाएगी पीएमओ की तरफ से कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तस्वीर जो है एक से दो दिन के बाद साफ हो पाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसके लिए इंतजार करना होगा। और ऐसे में ये भी अहम हो जाता है कि हो सकता है जिस तरह से पाकिस्तान शामिल हुआ और शहबाज शरीफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, तो पीएम मोदी भी हो सकता है इसका इंतखाब करें, इसके लिए इंतजार करना होगा। मुबशिर, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था, क्योंकि उस वक्त के माहौल में और इस वक्त के माहौल में काफी फर्क देखने को मिला। इस पिछली बार हिंदुस्तान सरकार पे, खुद प्रधानमंत्री पे इस बात को लेकर जोर दिया गया था क्योंकि वो खुद मुख्तार के तौर पर एक तरीके से साइड इसी लेते, लेकिन इस बार की सरकार जो है, जब एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने गठबंधन का भी साथ देखना पड़ेगा और विपक्ष इस पर किस तरीके से बात रखता है अपनी, उन सब चीजों को गौरव करने के बाद ही इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरह से देखा जाए मुबशिर, ये मीटिंग बहुत अहम है और पिछली बार और जो दीगर मिनिस्टर्स हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी गई थी, लेकिन उसको लेकर भी काफ़ी तनाज़े देखने को मिले थे। तो क्या इस बार वाकई ये माना जाए कि पाकिस्तान की नीयत यहाँ पर साफ होगी?
अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जाता है कि हिंदुस्तान का जो रवैया रहा है और जिस जिस तरीके से अपनी बात को पुख्ता तौर पर मजबूती के साथ रखने का, चाहे पाकिस्तान का मैटर कहीं पे भी किसी भी मसले में आया हो, वहां पर अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ हिंदुस्तान ने रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस चीज को लेकर, चाहे यूएन की मीटिंग की बात कर लें, चाहे दूसरे ऐसे मसले पर बात करनी हो, जब पाकिस्तान की बात आती है तो कहीं ना कहीं सीधे एकदम टॉक करने की जो बात है वो प्रधानमंत्री की तरफ से देखी जाती है। क्योंकि कई बार विपक्ष की तरफ से इस बात के इल्जाम भी लगाए गए कि प्रधानमंत्री बिन बुलाए जाते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन इस बार ऑफिशियल एक इन्विटेशन है। और ये मीटिंग भी कई सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच की नहीं है, एससीओ की मीटिंग में कई और मुल्क भी इसमें शामिल होंगे। और साफ तौर पर है कि पाकिस्तान अपनी बात को जो है बहुत मजबूती से रखता आया है और आगे भी रखेगा।